मैं काम करूंगी मैं तो ये सुन के ही थक गई भाईसा और जिंदगी तो मेरी आपकी जैसी बन गई है गॉसिप तो सुप्रिया जी को सुना है तो सुप्रिया जी ने को पढ़ा कि आ ये दो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है माँ का तो ऊपर तय हो चुका था तो उनको तो <offenses Information> था <assunto> जब वो दीवार में से पानी निकलने लगता है nah? तो द दिस वन सेज द नरेटर सेज कि ऐसी बात हुई के दीवारें भी रुक नहीं पाई और रोने, रोने लगी रोने लग गई और जयश्री कहती हाय माँ लीकेज <laughs> दीना बेन ने बोला हाँ 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 दीना बेन मतलब वो दीना बेन uh... तू लंच में क्या खिलाएगा वो बोलना <laughs> <laughs> बाकी तुम दोनों आए हो मुझे मालूम है जयश्री तू चाय दे रही है मैं बाहर से मंगवाऊ <laughs> नाम से मोछो वाली जयश्री I don't know whether we still have the first episode. If you read the first episode, it it was इट हैज़ एवरी थिंग इट इज सो कम्प्लीट एंड इट सेल्फ एंड यू कैन एक्चुअली रियलाइज हाउ मेनी थिंग्स हैज़ ही एट दैट टाइम ब्रोकन हम आप लोगों को मिलना चाहते देखना चाहते आपके साथ हंसना चाहते और हंसते हंसते नौशा या फील करके रो पड़ना चाहते Okay, it's gonna be an extremely fun, but more than that, an emotional conversation today because I'm gonna live something that I have always loved during my childhood. It's been a huge, huge part of my childhood and. Uh, सुख दुख की साथी रही है मेरे और जब भी मैं आज भी आई थिंक अपसेट होता हूँ तो मैं ये शो चालू करता हूँ मैं देर इज अन इंस्टेंट स्माइल ऑन माई फेस जस्ट लाइक खिचड़ी टू एंड आर द एंटायर कास्ट ऑफ खिचड़ी ज्वाइनिंग मी फॉर कॉन्वर्सेशन ओनली ऑन बॉलीवुड बबल थैंक यू एवरीबडी आई एम टेलिंग यू इट्स लाइक अ वो नाइंटीज किड का ड्रीम होता है ना इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू बिकॉज इज द फर्स्ट टाइम आई आई हैविंग अ चैट विद ऑल ऑफ यू टुगेदर सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू फॉर मेकिंग आर चाइल्डहुड

But there has been so many social norms being dealt with and in such a humorous way, especially with the two kids who come after every episode and teach the family the right versus the wrong. And this is so beautiful because you changed the whole game. There are so many times when I have gone up to my mom and said,

ये एबिलिटी जो है ना इसको एक्चुअली हमने हमारे खिचड़ी के पात्र में डाला इसलिए बच्चे बड़े हो गए कि ये जो है ना ये इतने छोटे हैं और ये इतने इनोसेंट है और, आ, आ, मतलब बदमाश होने के बावजूद इतने इनोसेंट कि वो एक पल में रुट जाते एक पल में जो एक दूसरे को मना भी लेते हैं और फिर भी इकट्ठे हैं आप बच्चों को देखिए वो एक गैंग होती है तो वो गैंग होती है इसने इसके साथ झगड़ा कर लिया फिर दो लोगों ने उसको मना लिया ये सिंपल सी बात है इसलिए बच्चों को बहुत अच्छा लगता था बिकॉज उनको ये लगता था कि हाँ काश हमारे घर के जो एक्चुअल बड़े हैं वो भी इनकी तरह मासूम होते वो भी इनकी तरह जो है अभी मान गए अभी रूट गए अभी मान गए इस प्रिंसिपल को फॉलो करते और बच्चों में क्या होता आप देखिए तब जो खिचड़ी आपने उन दिनों की बात करें आज की बात करें उन तो दोनों को कनेक्ट करते एक बात बोलूंगा कि खिचड़ी को ये पहला टीवी का जो कहा जाए डिसफंक्शनल फैमिली तो डिसफंक्शनल फैमिली के लिए क्या होता है ना कि बच्चों का किरदार ऐसा ही होता है आप उनको देखो ना कभी एक कैरेक्टर में नहीं होते कभी ऐसा करेंगे मस्ती करेंगे किसी का काट फोड़ देंगे किसी को किसी के घर पे बैल मार के चले जाएंगे कभी सयानी बात करोगे तो किसी को मदद करोगे अपनी बिस्किट आदि काट के दे दें दे हैव मल्टीपल इमोशंस रनिंग विद इन देम एंड माइंड से तो ग्रो होते हैं जिनको फिर जैसे फैमिली नर्चर करता है तो वो, वो हमारे जो बच्चे थे ये ये थे डिसंक्शन <laughs> सब में भी भी यही है वही भी 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 है अभी भी यही है।, यही है और आप देखो हमारे जो बुजुर्गों ने एक्चुअली कुछ हमारे के बच्चों को आपको ये समझना कि उनकी उम्र के लिए वो बहुत ही सयाने और स्मार्ट है वो तब ज्यादा पता चला जब हमारे हाथ में हमारा मोबाइल फोन आया आज हमारा मोबाइल फोन हमको आज रियलाइज होता है कि मेरा फोन मुझसे ज्यादा मेरा बच्चा क्रैक कर पाता है बच्चा होशियारी है पर जब तक टेक्नोलॉजी या टेक्निकली कोई चीजें नहीं होती थी ना तब तक हमको समझ में नहीं आता था कि जनरेशन हमसे जो छोटी होती बहुत स्मार्ट हो सकती है वो माना नहीं जाता तो हमने तब से बिकॉज खिचड़ी हमेशा अहेड ऑफ इट्स टाइम रहा है यूमर में अड ऑफ़ इस टाइम रहा है इसलिए तब बच्चे से बने थे जो आज जाके लोग बोलते हैं बच्चे स्मार्ट होते हैं यू नो आई एल टेल यू समथिंग हमारा मैं हमेशा ये कॉन्वर्सेशन करता हूँ पता नहीं कितने लोग करते होंगे बट ये जो नाइन्टीज वाले बच्चे हैं ना वी आर द कस्प हमने सब देखा है मतलब हम हमने मोबाइल फोन का ज़माना भी देखा है हमने आके स्कूल से निकल के वो दो घंटा जो खेलने को मिलता था पढ़ाई से पहले घर पे बैठ के वो भी देखा है मैं अपनी मम्मी को हमेशा बोलता हूँ कि वी गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बिकॉज माय ब्रदर हू टेन ईयर ओल्डर टू मी ही गॉट अ मोबाइल फ़ोन एट अ रियली ओल्डर एज वेरी वॉज ऑलरेडी लाइक इन 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 अ जॉब आई गॉट इट इन स्कूल बट अगेन आई सॉ दैट टाइम राइट तो मुझे क्या था ना मुझे आई अंडरस्टैंड दैट इमोशन वेरी वेल बिकॉज घर पे बैठ के वो जो टाइम होता था आधा घंटा जब हम लोग देखते थे आधा घंटा के आई यू टू लव सारा भाई वस आईव ग्रो ना वॉचिंग हम पाच दैट जेनरेशन आई थिंक वी हैज समेस्ट कॉन्टेंट समस्ट सिटकॉम्स एक्चुअली हैपन इन द जेनरेशन एंड इट कैनॉट बी रेप्लीकेटेड एवर यू नो जब आपने चालू किया मुझे आप लोगों से भी पूछना है एज एक्टर्स यू हैव डन सो मच सीरियस वर्क लाइक यू हैव डन सो मच ऑल ऑफ यूर एक्चुअली डन सो मच सीरियस वर्क बट दिस इज़ अ कंप्लीटली डिसफंक्शनल फैमिली हर फैमिली इतनी ही डिसफंक्शनल होती है हर दिन आए दिन झगड़े वगैरह होते ही रहते हैं फिर मनाना भी तो मुझे ये जानना है कि वॉट वॉज द फर्स्ट रिएक्शन डिड यू एवर फील लाइक जब फर्स्ट रीडिंग हुई कि ये कैरेक्टर मुझे करना चाहिए या फिर किसी और का कैरेक्टर ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ मुझे ये जानना है सुप्रिया जी को पूछे मजा आएगा <laughs> हाँ मुझे <उजे>, मुझे <उजे>, आप पहले <laughs> शादी करना है अब थोड़ी गॉसिप निकलने वाली है हर कैरेक्टर के पीछे कहानी है अच्छा सवाल पूछा अरे, <था। laughs> अरे <आगा। laughs> मेरी पीछे <भीचे> क्या कहानी <laughs> अरे आप वो आपको आप आप याद नहीं है मुझे आप ना आप ना ना आप याद है याद है आप बोल बोल सुप्रिया जी को एक्चुअली शी वाज द फर्स्ट पर्सन जिनको हमने अप्रोच किया था सुप्रिया जी के हम गए हमने पूरा पढ़ा और हमने कहा कि हम चाहे वो लोग मिलने आए थे मेरी माँ से माँ से ये हाँ मैं बीच में, में आ गई करेक्ट दीना पाठक अब जरा मसाला मैंने बोला अब पूछिए अभी वैसे, वैसे वैसे बहुत भोले से दो बच्चे लड़के हाँ बहुत अपने आए हाँ हाँ, है। है। हाँ वो आए थे माँ से मिलने मेरे से तो बिकॉज दीना जी दीना पाठक जी वॉज प्लेइंग बाबू जी मदर तो फिर सुप्रिया जी से हमने हमने कहा कि आप स्क्रिप्ट सुन लो दीनाबेन ने बोला हाँ 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 हा। दीनाबेन मतलब वो दीनाबेन तो लंच में क्या खिलाएगा वो बोलना <laughs> <laughs> बाकी तुम दोनों आए हो मुझे मालूम है हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं आऊ कर ले चल अगर बोलो फिर हमने कहा कि अभी हम सुप्रिया जी से मिले हाँ उसका तो वो जाने है भाई तो हम लोग गए इनके यहाँ बिकॉज लिविंग इन द सेम बिल्डिंग फिर हम लोग ने सुप्रिया जी को पूरा सुनाया हमने कहा कि आप इतना, आप, इतना हंसी हूँ मैंने कभी भी ऐसे किसी स्क्रिप्ट के नरेशन पे मैं इतना हंसी नहीं जितना मैं खिचड़ी के फर्स्ट एपिसोड पे हंसी थी और मुझे इतना खूबसूरत लगा था हमारी मतलब जो फर्स्ट नरेशन था वो उसमें से थोड़ा बहुत बदला जो फर्स्ट एपिसोड हुआ उसमें पर वो इतना सुंदर था और मुझे सिर्फ हंसी नहीं थी उसमें उसमें दे व सो मच डेप्थ विच इज़ वॉट आई फेल्ट एंड द होल आइडिया ऑफ हाउस

कि दीवारें भी रुक नहीं पाई और रोने लगी रोने लग गई है और जयश्री कहती हाँ ये माल लीकेज सो आई मीन इट इट वाज सच अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट मैंने क्या किया था तो इन्होंने कहा हमने कहा कि आप कौन सा रोल करना चाहेंगी क्योंकि क्योंकि ये के पीछे एक और इंटरेस्टिंग कहानी है हमने तभी तय नहीं किया था हम लोग से नैरेशन शुरू करना था तो सुप्रिया जी को सुनाया तो सुप्रिया जी ने को पढ़ा कि आ ये दो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट थे माँ का तो ऊपर तय हो चुका था तो उनको <laughs> <laughs> मां का बाकी बाकी था <laughs> <की>। <laughs> तो <भी का। laughs> ए मां का रे बात थोड़ी बने आनी वो भी अनंग भाई की जब भी अनंग भाई भी पिक्चर में नहीं देखता हूं ये नहीं कहानी है और ये तो सारी कहानी है तो सुप्रिया जी पढ़ा बोला अरे तभी ना हमारे लिए सुप्रिया पाठक कपूर एकदम स्टार थी आज भी है आज तो आग सुपरस्टार है तो तो ऐसा था कि वाई हैविट से कोई कोई मस्ती में ना सोचे बिना सुपरस्टार इसलिए है क्योंकि हमने सुप्रिया जी की टैलेंट को नज़दीक से देखा द वे शी वर्क्स वर्क द वे शी डिलीवर्स सो वी हैव ऑल रियली यू नो लर्न ऑल्सो अलॉट सुप्रिया स्टार सुप्रिया स्टार तो तभी ऐसा हुआ ना कि उन्होंने पढ़ा रद्दी घुमाते रहते हैं फिर मेरे को ऐसी बातें करते बस तो आप लोगों ऐसा था जब हमको लगे दे तो बोल करे रोल नहीं ले तो भी हमें मानी ये हा बोल दे दा, तो अच्छा है तो हमने पूछा आप क्या करना चाहिए उसने में में लिए क्या आप क्या करना चाहिए तो इससे बोला कि तब आप देखिए जयसी का रोल पहले एपिसोड में देखो तो बहुत स्ट्रांग इंपॉर्टेंट ऐसा था नैरेटिव से लेकर जयसी का रोल चलता था तो हमको ऐसा ही था कि आप जय तो बोलता है सुप्रिया जी ने बोला आई डू दिस वो पहले एपिसोड के नरेशन में इट वॉज हर वाइजनेस बिकॉज क्या था हम तो भी शुरू हुए थे और उनको अपनी एक उनका विजन था अपनी खुद की एक अंदर की कॉलिंग एक कलाकार को सबसे ज्यादा ये होना जरूरी होता है लंबा रोल या वो नहीं होता है आपकी अपनी कॉलिंग होने जरूरी है मैं ये नहीं मैं ये ज्यादा बेहतर करूंगी या कर पाऊंगा

तो इनको आपको पूछना ही चाहिए कि स्मार्ट कौन है और डम कौन है रियल लाइफ में हाँ रियल लाइफ में फिर <laughs> मेरे एक बहुत अच्छे और अज़ीज़ दोस्त ने एक बहुत अच्छा आ, हम दोनों के साथ उन्होंने काम किया है तो उन्होंने हम दोनों के लिए बहुत अच्छी एक डेफिनेशन दी है आ, मैं चांद हूँ और रत्ना सूरज क्या <laughs>

अरे स्टोरी प्लीज इज स्टोरी ऑल टूगेदर हि डूंग हम लोग एक प्ले कर रहे थे तो उस प्ले के इन बिटवीन में प्रेग्नेंट हुई

सॉरी नीरज सॉरी दिस इज व्हाट वी आर ऐसा लगा कि मैं प्रेग्नेंट हुए किसी को पता नहीं चलेगा <laughs> किसी को पता नहीं चलेगा <laughs> तो ब्रेक <मैंने ने> <laughs> लिया था और उसी वक्त बातें हो रही थी एंड जेडी और आतिश हम लोग बात करते थे कि भाई एक बनानी बनानी है एक सीरियल बनानी है एक और उस वक्त जेडी को सबसे पहले एक रेस्टोरेंट बनाना मतलब ये करना था सो समथिंग लाइक यू नो जस्ट ऐसे ही हम लोग बातें करते थे कि ये करेंगे वो करेंगे ऐसा सब करना है तो मैंने कहा हाँ हाँ वी ऑल आर टूगेदर एंड कट टू डिलीवरी के बाद uh, जेडी मिलने आया था मुझे तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा है और तुझे याद है मैंने बोला था कि मैं आ, एक सीरियल बनाना चाहता हूँ एंड ऑल सर सी हाँ 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 एंड कितना इलेवन डेज थी टेन इलेवेंथ डे था मैं घर आई थी वो तो बोले कि आई नो कि अभी दस ग्यारहवाई दिन है और दो तो दिन में हम शूट करना चाहते हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड यू नो तो ये सारी चीज़ें उसने शुरू की कि तू कैसे कर पाएगी ये वो आतिश का फोन आया था कि नहीं अभी तो और उस वक्त आतिश का फोन भी आया तूने तूने पूछा तुने पूछा मैंने जेडी को बोला था सॉरी टू कट मैंने जेडी को बोला कि वंदना तो इन्होंने बोला कि अरे भी उसकी बच्ची वो जो भी है वंदना तू फोन तो कर तू पूछ के तो देख एडमेस क्या होगा मना कर देगी ना तो फिर मैंने इसको फोन को आया, आया। फोन आया <laughs>

कि उन्होंने एक ऊपर एक रूम था वो पूरा मतलब मेरे बच्चे की एक मैटरनिटी या ऐसा रूम होता है ना इस तरह का सच अ वी रियली लुक्ड दैट लिटिल वन वाज ऑल द टाइम ऑन सेट सो ब्यूटीफुल वो मच्छरदानी पूरा वो पूरा रूम इस तरह से किया हुआ मतलब तो मैंने बोला कौन ना बोलेगा एक्चुअली हम लोग तो दोस्त थे ही तो करना तो था ही साथ में मिलके कुछ शुरुआत सो दिस इज हाउ आई जॉइंड एंड सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा फर्स्ट शॉट था hmm. खिचड़ी yeah. का जो शॉट था वो मेरा पहला शॉट था तो जब आतिश ने सुनाया तो मैंने बोला कि मैं तो नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ये एक तो मेरा डिफरेंट ही कैरेक्टर मैंने कभी नहीं किया ऊपर से कॉमेडी जिस तरह की थी ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हम उस वक्त करते थे वो थोड़ा अंडरलाइन करके बोलते थे हर चीज को बट ही सेट क्यू नो आई नो यू विल डू इट तो so, इन्होंने जो बोला हाई लॉट लीकेज तो इस तरह का ये जो पूरा सीक्वेंस था वो आतिश ने मुझे पहले करके मैंने बोला अगर मैं करूंगी तो तुम मुझे सुनाओ और तुमको मैं फॉलो करूंगी मतलब इंटोनेशन से लेके कॉमा से yeah. लेके स्टॉप से लेके कैपिटल से लेके सब कुछ आई विल डू तो ही मैं करूंगी एंड दैट इज हाउ यू नो कॉमेडी इज समथिंग व्हिच नीड्स रियली क्लेवर राइटिंग ओके एंड मतलब लोग uh, सोचेंगे कि यार ये uh, बहुत लोग होते हैं नक्चरे वाले मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है वो ठीक है uh, जो थोड़े uh, थोड़े मतलब एकदम एकदमी टूटी बिहेव करते कि ये वो दिस इज एंड आई तो आई फील लाइक योर राइटिंग वॉज सो क्लेवर बिकॉज एट अ टाइम वेन वी हैड डेली सोप्स ओके

टिपिकल इंडियन परफेक्ट फैमिली बिकॉज कोई फैमिली परफेक्ट होती ही नहीं है इट्स टू आइडियलिस्टिक राइट वॉट वॉज योअर फर्स्ट रिएक्शन बिकॉज माई फर्स्ट मेमोरी ऑफ यू इज द रंगीला सीन सो आई यूस टू फील दू आर वेरी यू आर गॉन अभी वेरी लाइक बचपन में भी वो लगता है ना कि जैसे अमरीशपुरी से मैं बहुत डरता था कि हर मूवी में शाहरुख खान को मार देते थे तो आईस टू फील लाइक हि इज़ वेरी स्टर्न एंड स्ट्रिक्ट एंड देन आई सो आई वाज प्रफुल आई एम लाइक वॉट

प्रेजेंट you know, करना और अगर आप आतिश को देखो ये पांचों कैरेक्टर करते हुए तो यू विल फॉल इन लव तो दिस वाज़ द फर्स्ट एंड आतिश्रीफ सिंह बुजुर्ग एक्टर है तो उनको डेट की प्रॉब्लम हो गई अगेन मै और जेडी बैठे हमारा एक, एक बहुत सिंपल लव था कि हमको इन द फेस कॉमेडियन तो कांस्टिन्यू करना है hmm. वो तो दे चाहिए दे है नहीं और serious exactly, तो, तो नहीं, नहीं, तो तो उन्होंने लास्ट मिनट पर बोल दिया नहीं अभी कुछ दस दिन बाकी थे और विग विग सब बनानी थी हम इनकी शूट पे गए थे जुहू में नागी विला में नागी विला। और हमने बोला कि ऐसा ऐसा है हाँ और हमने कभी इनके साथ काम नहीं किया था फर्स्ट टाइम हाँ एक एक भयानक मूवी थी उसका नाम नहीं लेंगे हम जिसकी शूटिंग <laughs> पे हम लोग मिले थे हमने वैसे इंटरेक्ट किया था बट काम नहीं किया था हाँ। तो उनको हमने जाके रोल इन्होंने कहा हाँ पर इन्होंने एक पूछा था कि पर ये इस तरह का मैंने तो मैंने वही तो मुद्दा है ना आपने नहीं किया है वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वी विल

और उस वक्त में ज्यादातर मेरे जो रोल्स थे वो बड़े सीरियस टाइप के रोल्स थे yeah. हो या See, so, इनको भी लोगों ने कहा होगा कि यार किसको कास्ट करे तो ऐसे रोल्स कर रहे बट दे ए वेरी कॉन्फिडेंट आतिश एन जेडी के इन्हीं को कास्ट करना है एंड ऐसा रोल कौन ना मना करेगा आई जस्ट लव एंडली क्योंकि वो उस, उस, आपने कहा ना कि बहुत अच्छी सिटकॉम बनती थी जो हमको अच्छे से दिखाई दी पर उसके पीछे बहुत सारी ऐसी कॉमेडीज़ हुई जो आफ्टर दैट वन फेज जो नहीं चल रही थी और जो हमको लोग कहते थे कि नहीं यार ये फिर कॉमेडी में एक बहुत ही बड़े एक्टर ने हमको कहा था कि नहीं यार ये राइटिंग सही नहीं होता ना फिर कॉमेडी में एक्टर क्या करता है पता है वो बेचारा वो डबल ट्रिपल मेहनत करके जो नहीं होता ना उतना ज़्यादा करता फिर अचानक वो एक्टर ना लाउड होने लगता है तो हमको कुछ चीज़ों का पता था कि जो करना है ना तो लिखाई के बाद एक कास्टिंग भी ऐसी होनी चाहिए विच इज फॉर उनको समझ आ, आई व्हाट वी नीडेड बट द बेस लाइन वॉज विच वॉज जो हमारा आज तक का कास्टिंग हमारा प्रोसेस है एक अच्छे टैलेंटेड एक्टर को लो, वो कॉमेडी कर, कर सकते हैं और कॉमेडी उसको ये मतलग, ऐसे कर कुछ लोगों को यह बोलना पड़ता है कि तू ये मत, मत कर, कर ये स्क्रिप्ट और इसको फॉलो कर अपने आप यू मरा जो हमने कुछ बेसिक्स हमारे बरकरार रखे ना दैट हेल्प्स अस टू फाइंड सच जेम्स फिल्म प्ले और अ सीरियल आप आधी जंग जीतते हो कास्टिंग एब्सोल्युटली यू नो जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि हमेशा हमने जो भी शोज देखे या कुछ देखे ना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर शोज एम टॉकिंग अबाउट अदर दोज ओके व्हिच वी हैव अप वाचिंग There would be one main character, jinke words right. ya yeah, um, uh, leads, uh, matlab, you know, the, the words will become iconic. But today, even in the movie, you know, it, this has become a movie because every character is iconic in a way. Like, uh, you, it's been how many years? Uh, 2006, two. if you guys, two, two. 2002, 2002, you guys started. started. So started. I was 10 years old. I'm 31 today. And oh, believe me. मैं तो और छोटा लग रहा हूँ <laughs> <लग> <laughs> आज फैसला हुई हम दोनों में कौन छोटा लग रहा है नैनदीप आप बोलिए बट नो एवरी वेदर इक गई यू नो वेदर इट लाइक किसी को पता नहीं चलेगा वेदर इज लाइक हाँ बा खबर में तो वेदर वेदर इज लाइक जयश्री तू चाय दे रही है मैं बाहर से मंगवाऊ और यू नो ज से बेस्ट डांसर्स आर दोज जिनका स्टेप लोग इम्युलेट कर सके आप बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में चले जो लोग कर ही ना पाए नॉर्मल कॉमन पीपल दे विल नेवर बिकम डांसिंग स्टार्स सिमिलरली कॉमेडी एंड एक्टिंग इज समथिंग दैट इफ यू कैन कनेक्ट विथ पीपल एंड द वे यू गाइज कनेक्टेड टू यू आर डूइंग द सेकेंड फिल्म एंड इट्स सो ब्यूटिफुल बिकॉज विथ यो When I see for a lot of people, it will be like a comedy, of course, but in that last scene where you say umga meap, mm -hmm. and then there's that guy who says that. Main bhi ki. It is comedy, but today's social gender stereotypes it's breaking, right? right? How do you guys manage to do that? And I want to ask the actors also because it is so refreshing to have somebody speak the language and do the things that you guys do genuinely and i mean it i would say first thing i would give it all to atish <coughs> yeah, yeah, because what you said no what you said he exactly said this that we do not make it you know gender bias yeah yeah that's we always we are we always in our work we always seen and atish has always written things like that a very progressive guy and now and this the particular line why i want to give it to atish हम तो एक्टिंग में कर लेते हैं यार वो हमको बोलता है हम भी टैलेंटेड हम भी करते हैं बट वॉट राइटिंग देन एग्जीक्यूशन एंड देन वॉट है बट अ डायरेक्टर हु विथ वन इंटेंशन हाउ डू आई मेक माई राइटिंग माई एग्जीक्यूशन बेटर इन इन एंड हिमी आउट वो डबिंग में जिस तरह जगह देख के इंप्रोवाइज करता है द लाइन विच यू राइट नाउ मैंने दाढ़ी भी नहीं बनाई वो डबिंग है वो एक्टिंग नहीं है दैट्स इट इज अ अब उसमें क्या हुआ फिल्म में वो एडिट किया वो सीन में वो फ्रेम डाला डबिंग के बाद वो फ्रेम एक मिनट एक मिनट तो स्टॉक में निकलना वो लोगों का कहीं स्टॉक होगा वो बाद में सो इट इज वॉट ही मेक्स The film, is script, text, it takes it to another level. Wow. Good editing, post, dubbing, everywhere we find Atish's impression for it. Thank you for being inclusive. Always. I feel that um, as part of audience, today we are living in a world where everybody needs that um, validation of inclusion, yeah. and inclusivity is like art should never have those boundaries. Absolutely. And no, I'm nothing. Nothing should have a boundary. Absolutely. If you have if you see from the very beginning of Khichdi, we have always, Absolutely. as you said, we have broken all the norms, stereotypes. Yeah. yeah, and I think that was a very conscious effort that Atish had in his head. I don't know whether we still have the first episode. If you read the first episode, it it was it has everything. It is so complete in itself, and you can actually realize how many things has he at that time broken. <laughs> Absolutely. Avito, you are, we are still, you know, more inclu inclusive. People yeah. have become more inclusive. In that time, to be able to say or do the kind of things where one level of work was going on, yeah. I think it was amazing. And I personally, I'm sorry, I don't know whether I should be saying this or not. If it is not, please edit it. Uh, the thing that I really want to say is, even the guys who were heads of the uh, Star Channel at that time, hats off to them. Yeah. to be able to yeah. make us and allow us to do this Absolutely. and the guts that atish and jd i remember them telling us that they used to go for these channel meetings and they used to say ye badlo and atish sir nahi tum jo karna hai yes. nikalna hai nikal do but the kind of conviction with they had there was shelja i think and tarun and i tarun don't know all they all they Sameer were Nair so, and Sameer Nair, they were so good they allowed us to make kitchen yeah, yeah. and the way they yeah. gave us gave us an opportunity yeah, yeah, to yeah, yes. put yes. it on absolutely. screen absolutely. yeah that was the beginning yeah, yeah, yeah. yeah. never did it come on the sets never. or like never, you know interfering or nothing have... became a benchmark exactly. and we it did and it still is today so today I personally feel we have broken too many norms yeah, yeah. and we have done it Very well. yeah, so yeah. <laughs> दस साल की उम्र में में इतनी समझ में नहीं आती ना बट uh. जब सोलह सत्रह अठारह तब भी हम वही शोज देखते हैं वही कैरेक्टर्स देखते हैं तब समझ में ज्यादा आती है एंड ऑफकोर्स विदी यू नो आई जस्ट लव ट्रेलर इट इज इट इज इट इज ऑल हार्ट यू नो एंड वो ना होता है एक मेरे में लॉयल्टी बहुत ज्यादा है <laughs> तो क्या होता है और मुझे लगता है 90's के बच्चों में लॉयल्टी सबसे ज्यादा है जिनको उन्होंने 90's में पसंद किया वो आज भी <laughs> <सुपरस्टास> है <laughs> तो बात वो है कि हमारे में ना ना बहुत ज्यादा तो हमने जिनको पसंद किया कोई बोल के दिखाए कुछ हमारे मतलब <laughs> <जिनको पसंद के laughs> तो <उनके आगे। laughs> मुझे बट द ब्यूटी ऑफ इट इज द द फैमिली दैट यू क्रिएटेड इज अ सिंपल फैमिली लाइक द खूबसूरती वो बोलते हैं ना खूबसूरती सादगी में ही होती है ये सबसे बड़ी ट्राइम्फ है ऑफ दिस फैमिली ऑफ दिस फ्रेंचाइज एंड ऑफ यू ऑल एज इंडिविज्य नॉट एज एक्टर्स ऑफ द कैरेक्टर्स यू नो द वे यू फील अबाउट ह्यूमन बींग्स अराउंड यू इट्स अ लास्ट ऑन द सेट आई कैन अंडरस्टैंड वाई बिकिंग इट खिचड़ी टू time right Don't make us wait for the next one at least. Nein.

तो रोल बदल के दूसरी बात कह लो सी खिचड़ी थ्री तब बन सकती है जब आपका प्यार है ठीक है काफी लोगों का होगा बट वी ऑल्सो हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल सिनेमा एज टू ग्रो द वर्ल्ड इज ग्रोइंग एंड अगर हम उनके साथ कनेक्ट कर पाए वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ हमारा शौक पूरा करने के लिए या बनाने के लिए एक हद तक कुछ बनाए नहीं पर वी ऑल्सो हैव टू जो 21 साल से हमने एक रिश्ता बनाए रखा है दैट वी कैन कनेक्ट टूडे ऑल्सो तो अगर ये हमको लगेगा कि हाँ हमने इतने साल के इंतजार के बाद ये रिश्ता करेक्ट निभाया है आप लोगों ने जो प्यार और रिस्पेक्ट दिया है वी कैन नॉट यू नो उसको हम पर इतना एक हमको रिस्पॉन्सिबल बनाता है तो अगर ये सही कनेक्ट करता है और आप लोगों को सच में मजा आएगा इन माइंड खिचड़ी थ्री का आइडिया ऑलरेडी थ्री नहीं टीजर भी लगा देते वो भी करने वाले थे पर नहीं हमने दोनों ने ये सोचा इनको भी आज हम बोल रहे हैं कि हमारा आइडिया ऑलरेडी माइंड में इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडिया तो मुझे समझ में आ गया थोड़ा सा आप नहीं समझोगे बात मानो पर एक ही है कि खिचड़ी द मूवी टू को हम हम हमको क्या चाहिए मैं आपके जरिए यह बात कह सकता हूं हमारी और से क्या होता है ना बड़ी बड़ी फिल्म के जो और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के जो फैंस होते हैं ना वो फ्राइडे सैटरडे एक बड़ी संख्या में आते हैं एंड वी आर रियली एक्सपेक्टिंग क्योंकि कुछ नहीं हम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम हमारे फैन हम जाने वाले थिएटर्स में हम आप लोगों को मिलना चाहते देखना चाहते आपके साथ हंसना चाहते और हंसते हंसते नॉस्टैल्जिया या फील करके रो पड़ना चाहते

इट्स रिफ्रेशिंग टू हैव अ फील लाइक दैट बिकॉज मुझे पता है कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे कॉमेंट्स ऐसे झेले है आई कॉन्ट कंटिन्यू टू फेस कॉमेंट्स विच यू हेर टॉकिंग बट ऑल्सो बट आई रिमेंबर नाउ दिट्स ब्रिंग्स बैक टू माई लवली मदर शी इज़ वेरी प्रोग्रेसिव शी इज आई डोंट नो शीज ऑल्सो टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स ऐसे हसी मजाक में तो बचपन में जब कोई बुली करता था या कुछ बोल देता था मुझे अबाउट मी माई वॉक माई टॉक वॉट एवर एंड आई शूड लाइक इनिशियली यू गेट अफेक्टेड राइट एंड देन माई मदर यू टेल मी दैट I was like, why do people laugh at this? What have I done? Like, why do I deserve? Why do they mock me? And my mom always used to tell me that the biggest blessing is to be somebody who can make others laugh for Absolutely. whatever reason. True. And you have oh, done that for true. 23 years, 21 years, and not. It's not gonna stop here, na. It's gonna be there for the next fifty, fifty years and we'll still be laughing. Yeah. And I hope that we have a longer, longer conversation right after the movie releases because I'm not gonna let you go on that. Thank you. Thank you. Promise after an easy break again. Definitely. Thank you. Absolutely. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. I would like to just add one mm. thing over here, Nayandeep. ki log hase लोगों का तो ये जो होता ना कुछ तो लोग कहेंगे उनका तो काम ही है वो वेले लोग ना अपने आप में इतने इनसिक्योर होते हैं ना कि वो दूसरों को जो कमी भी नहीं है वो एक अंदाज है उस अंदाज पे हंसते हैं मुझे तो यही समझ में आता कि यार किसी का एक अंदाज है, है, एक, एक है।, है? है जिंदगी में हमारे कोई भी काम में देख लो आप हमने आप, आप खिचड़ी टू भी देखना कि हमने सब उल्टा बुलटा कर दिया हाँ। है कि आप उल्टा कर दो ना आप सारी जो गलतियां हैं उसको हटा दो और वो भी हंसते हंसाते तो आप जो बोल रहे हैं ना आपने हंसाया है तो आप की पर्सनैलिटी जो है ना वो हमारी खिचड़ी में एकदम घुल मिल जाएगी आप देखिए ये बात एकदम बहुत सीरियस गहन और बहुत अच्छी तरह से हुई और लेकिन जो खिचड़ी वाला जो भी एपिसोड होता है तो वो हमको हंसी खुशी थोड़ा मस्ती से और आपने एक बहुत बात तब से मेरे अंदर ये वो मन चल रहा है कि वो करना चाहिए कि डांसर तो वो होता है जो इतनी आसानी से ऐसा स्टेप करे जो सब लोग कर सके वन टू थ्री फोर One there a cow, one there a cow, one there a caggy, one there Thank you, thank you so much for this amazing conversation. Thank you.